हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करना चाहता हूँ मेरे ब्लग में और सो मच सबैजनालाई कैमन आछो भालो यो चाहिँ बंगाली हो किनभने हाम्रो वेस्ट हामी बिलोङ गर्छ वेस्ट बंगाल बाट हैन अन्त कस्तो हुनुहुन्छ यो मेरो नेपाली हो हैन अन्त मेरो आफ्नै भाषा लेप्चा आकेदो यो कस्तो यो चाहिँ अब आकेदो कस्तो हुनुहुन्छ अन्त आप लोग कैसे है ये हिंदी हो हम जो नेशनल लैंग्वेज मैं ट्राई करता हूँ कि ये भाषा भी यूज़ करूँ क्योंकि मेरा मैं जो स्टेट से बिलोंग करता हूँ मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट है कालिम्पोंग सो नेपाली तो मेरा मदर लैंग्वेज है और स्टेट का लैंग्वेज है मेरा बंगाली और मेरा नेशनल लैंग्वेज है हिंदी सो इस वजह से आई ट्राई टू कवर ऑल दिस लैंग्वेज ये तो मैं ये नहीं है कि मैं आप लोग को ये परफेक्ट बोलूँ मैं भी ट्राई करता हूँ कि डिसरेस्पेक्ट करके बोला है ये नहीं है मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा जितना भी लैंग्वेज है उसको रेस्पेक्ट हो और सब लोग रेस्पेक्ट करें और मैंने ट्राईपोर्ट को घर पे ही छोड़ के आया हूँ आज सुबह आने के टाइम भूल गया और आज ट्राई करता हूँ कि हाथ से ही आप लोग को दिखाऊँ जितना भी हो सकता है और यही है ज़िंदगी चल रहा है मेरे पास ये वेपन है और इसको बोलते हैं हंसिया यहाँ पे नेपाली में बोलते हैं हंसिया और आप लोग के भाषा में सिकल बोलते होंगे या पता नहीं क्या बोलते हैं आप जितना भी जुड़े हैं आप लोग बता दीजिए इधर हम लोग के इस तरह का रहता है और हर एक बात कभी भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता मुझे काम करने में बहुत पसंद है काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होते काम सिर्फ होते हैं हम लोग का नज़रिया हम जो सोचते हैं वही छोटा होता है लेकिन काम कभी भी छोटा नहीं होते कभी भी मेंशन नहीं है कि तुम इतना बड़ा काम करते हो कितना बड़ा वो पता ही नहीं कितना बड़ा काम करते हैं और इसी तरह काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होते और मेरा काम ये छोटा है या बड़ा है मैं काम पे लग जाता हूँ काम करना ज़रूरी है इसको इस तरह कटो इसको इस तरह वेपन चलाओ लाइक दिस और इसी तरह इसको पिक क्लीन करके जाना है क्योंकि यहाँ पे बारी पे लगाया है दाल ब्लैक दाल यहाँ पे बोलते हैं इसको कालो दाल जितना भी झाड़ी है ये लोग प्लांट को आने नहीं देते इस वजह से हम लोग ये सभी जितना भी ग्रास है वो काट देता है और ये इसको थोड़ा खुला भी रहता है हवा भी आ जाता है और अच्छा रहता है हो चुका है क्लिक वहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ से स्टार्ट किया था और वो पेड़ के सामने से और हमने करते करते यहाँ पे साफ कर दिया ये वहाँ तक कर दिया है साफ और ये भी थोड़ा हो चुका है साफ कालो दाल सफा कर देखो भित्ता छेव काटेर आमाले भन्नुभएको थियो और मेरे को इस घास को इस पे लेके जाना होगा इस रस्सी पे एक रस्सी पे हम लोग लेके जाते कभी कभी दो रस्सी भी लेके आते लेकिन मैं ज़्यादातर एक ही रस्सी यूज़ करता हूँ और चलते हैं अब इसको रस्सी में बांधते हैं और इस तरह से रेडी हो चुका है मेरा भारी मैंने रस्सी से इसको पूरा जोर से कस दिया है जितना हो सके जोर से कसना है उसके बाद इसको लेके जाना है नहीं तो रास्ते में ख़राब हो सकता है और फिर से काम दोबारा करना पड़ता है तो इस वजह से इसको जितना हो सके इसको टाइट कसना है तो हो चुका है अब हो चुका है ये और इसको हम पहनते हैं और इसको कभी भी हाथ को पकड़ के कभी भी लेके नहीं जाते कभी भी गिर सकता है और आपको हार्ट कर सकता है तो इस वजह से जब भी हम इसको काम फिनिश होता है तो इसको ऊपर में डाल देता है इस तरह डालो जोर से ये निकल नहीं पाएगा सिर्फ जाके ही निकलना होगा नाउ आई एम रेडी मैंने ये पहन लिया है अब स्पाइडरमैन हो के लेकिन उड़ना नहीं यहाँ पे पैदल जाना है अभी इस तरह लेके जाना होगा थोड़ो बहुत भारी बहुत आज भारी कैसे है ना गाय के लिए हो चुका है डन गाय के लिए घास हो चुका है गाईला घास काटिसक्यो बाख्रा अलिकति खसी अलिकति लिनु गएको त्यतै म मेडिटेसन पनि गरेर आउँछु आप लोग को मैं देखा चुका हूँ उस जगह को और फिर जा रहा हूँ मैं थोड़ा घास भी लेके आना है ऊपर आने के टाइम यहाँ से देख रहा है वो बड़ा वाला पत्थर पे जाके बैठना है अच्छा लगता है और यो चाहिँ मेरो मेडिटेसन गर्ने जग्गा हो फाइनली आइपुग्यो अब यहाँ चाहिँ मेडिटेसन गर्ने और आई रिमुव माई सू हियर म यहाँ पे जुत्ता खोलता हूँ आज नीचे ही जब भी आता हूँ यहाँ पे पत्ता मेरे लिए स्वागत करता है आओ और साफ करो थैंक यू पत्ता आप लोग यहाँ पे गिरे हैं तो हम आपको उठा के साइड में करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे बैठना है और जब भी आता हूँ यहाँ पे पत्ता मेरे लिए स्वागत करने में रेडी रहता है तो पहले बिफोर माई मेडिटेशन आई क्लीन दिस प्लेस दिस इज़ माई ड्यूटी आप मैंने ये लेके आए हैं सो इसको यहाँ पे रखो और बैठो और थैंक यू मेडिटेशन हो चुका है डन आपको तो नहीं दिखा पाया क्योंकि मैंने स्टैंड नहीं लेके आए और अब जाना है खाना खाने के लिए तो दिन में तो काम रहता है मेरा दिन का काम ख़त्म अब हो चुका है क्योंकि 12 बज चुका है यहाँ पे
और मेरा मैं थोड़ा सा घास लेके जा रहा हूँ बकरी के लिए। और मैं काम कर रहा था, ये हम लोग का कार्डिमोम का ये बगान है। कार्डिमोम ये पूरा लगाया हुआ, ऊपर से कार्डिमोम है लगाया हुआ है। और इसका जो बोट है अभी तैयार कर रहा है सभी लोग। और मैं इसको थोड़ा अंदर वाला ग्रास मैं इसको साफ करने के लिए आया था। और मेरा घर में भी काम है तो यहाँ, और मैं जा रहा हूँ घर। मेरा थोड़ा घर में काम है, म चाहिँ अब घर गएको किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो घरमा अलिअलि काम पनि हुन्छ, अन्त त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ लागेको। अरू चाहिँ बेलुका मात्रै आउँछ। सो लाइफ इज गोइङ अन, ठिकै छ। यही हो जिन्दगानी दर्पण छाया। ये पूरा कार्डिमोम लगाया हुआ हम लोग का, पूरा ये बगान है हम लोग का कार्डिमोम का। और एक बात बता दूँ, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, सबसे ज़्यादा कार्डिमोम जो स्टेट से उगाया जाता है वो है केरला, उसके बाद में कर्नाटका, और ये तमिलनाडु, उसके बाद हिमालय रीजन में भी ब्लैक कार्डिमोम लगाया जाता है। और जो ये है अब मैंने दिखाया, ये है ब्लैक कार्डिमोम। और ये ज़्यादातर सिक्किम और दार्जिलिंग का पार्ट और नेपाल और भूटान से ये उगाया जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग ये कार्डिमोम लगाते हैं बड़ा वाला, और तमिलनाडु और केरला में छोटा वाला इलायची लगाता है, कार्डिमोम लगाता है। और ये है छोटा सा बिरवा, इसको इस 3-4 साल लगेगा ये फलने के टाइम तक। और अभी यहाँ पे भी डाला हुआ है, तो इस तरह का पानी भी लेके आते हैं हम लोग, जो रिवर है वहाँ से छोटा छोटा नाल। और इसको पूरा अब रेनी सीजन के बाद यही पानी पूरा ये कार्डिमोम के ऊपर छोड़ देता है। और ये नया बिरवा है, यहाँ से लगाया हुआ है पूरा, यहाँ से पूरा लगाया हुआ है। पहले यहाँ पे खेती करता था वो, यहाँ पे पहले खेती करता था, सब रूम का खेती करता था। अभी वो सब रूम अभी ज़्यादा खेती नहीं करते हैं, पहले बहुत लार्ज स्केल में खेती करता था, अभी छोड़ दिया है। और अभी अलायची सा चीज़ों में ध्यान दे रहा है अभी यहाँ का फार्मर लोग। फार्मर जय जवान जय किसान ये बोला था किसने, आप लोग को पता है ये जय जवान जय किसान किसने बोला था? आई एम गोना टेल यू किसने बोला था। ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, और किसान है तो देश है, जवान है तो देश है, लेकिन सब नागरिक सब सिटीजन ही इम्पोर्टेंट है। सभी ने किसी न किसी तरह से देश को योगदान दिया है, चाहे फील्ड में हो, चाहे गेम में हो, चाहे जो जिस फील्ड में भी है, सिविल सर्विस में है, जो भी है, सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो इस वजह से हमारा देश अभी इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन रहा है। अभी यूके को पीछे छोड़ते हुए इंडिया ने सिक्योर किया है 5th पोजीशन। सो इस तरह चल रहा है काम। हाँ मुझे माथि आईपुगे, अंत जो कोट, और यहाँ से हम लोग का पैदल जाने में लगता है टाइम कम से कम 15-20 मिनट्स। यहाँ का वेदर देखिए कितना धुंधला सा हो गया, पूरा क्लाउड है। आज टोटली वॉक करेंगे पूरा हिंदी में, और मुझे लगता है कि अब हिंदी में भी थोड़ा ज़्यादा ब्लॉग करूँ। नेपालीले पनि ज़्यादा जस्तो हिंदी बुझ्छ, ज़्यादा जस्तै बुझ्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल अनि इन्डिया एकदम क्लोज छ, त्यसले गर्दा नेपालको मान्छेहरूले पनि बहुत बुझ्छ, बहुत हेरिदिन्छ, नेपालबाट पनि हाम्रो भिडियोहरू माया गरिदिन्छ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हामीहरू एकअर्का बोर्डरले बाँडे पनि हाम्रो भाषाले कहिले पनि हामी छुटेर जानु सक्दैन, किनभन्दा हामी त्यही भाषा युज गर्छ। अन्त अल्सो थ्याङ्क यू फ्रम भुटानबाट पनि बहुत ज्यादाले हेरिदिनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच भुटानबाट पनि। जितना आप लोग प्यार देते हैं इस वजह से ना भी थके है, मन करता है कि वीडियो डालूं आप लोग के लिए, कुछ अच्छा बना के दिखाऊं। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ लव। सो में देखिए किस तरह का अपना खुद का ये पानी का पाइप होता है, ये खुद का है, खुद ने लेके गया है, कम से कम 5 किलोमीटर से दूर से लेके जाता है, कम से कम उससे ज़्यादा भी है, लेकिन पानी लेके अपना पानी पीता है यहाँ पे।
दूसरा का पानी नहीं पीता है, कभी कभी दो तीन घर पे ले जाता है, लेकिन ज़्यादातर अपना रहता है यहाँ पे पानी। क्यों? और यहाँ से पक्का रोड था, अभी इसका रिपेयरिंग भी नहीं हो रहा है, इस तरह का गड्ढा गड्ढा हो चुका है। जो लोकल है सेटलमेंट लोग हैं, रोड को यूज़ करता है। और मैं पहुँचने वाला हूँ यहाँ पे, देखिए ये मेरा घर है। ये कर दिया रिमूव शू को, इसको सही जगह पे रखना ज़रूरी है। तो इस जगह पे इसका हमेशा की जगह है, इसको इस तरह रखो। मैं आया था आप लोग को थोड़ा दिखाऊं, पूरा क्लाउड है। और ये है मेरा, मैंने जितना भी यहाँ पे मिलता है ये बैम्बो, उसको मैंने ये बनाया था। और ये भी उस तरह से नहीं बन चुका है, कंप्लीट नहीं हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मियाँ बैठ के कुछ भी करो तो अच्छा लगता है। थोड़ा फ्रेश होंगे पहले, हो चुका हूँ थोड़ा फ्रेश, अभी अहिले घर आइपुग्यो, अलग फ्रेश भएको तो पहुँच गया मेरे घर। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वो इस तरह का है अभी। और थोड़ा मैं मग भी लेके आया पानी, यहाँ पे फ्लास्क पे पानी है, हॉट वाटर। तो यही है जिंदगानी दर्पण छाए। और आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या, आप लोग को मैं एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, एक आती हूँ आप लोग को मैं यहाँ कुछ दिखाता हूँ लिख के, आप देखिए। और हेर्नुहोस् म यहाँ के लेख्छु तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस् अब राम्रोसँगले, यो चाहिँ सबैको लागि हो। सेल्फ प्युरिफिकेसन इज अ फर्स्ट, यो चाहिँ मैले लेखेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ, सेल्फ प्युरिफिकेसन इज द फर्स्ट स्टेप। वेन हार्ट इज प्योर वी एट वन्स रियलाइज वाट इज अवर ड्युटी एट एभ्री मोमेन्ट। ये क्या कहा, ये लाइनले क्या बोला है आप लोग समझ गए होंगे। और ये बोला है जब आत्मा शुद्धता पहला होना चाहिए, उसके बाद जब आपका हृदय शुद्ध होता है, आपको तुरंत एहसास होता है कि आपका अगला काम क्या है, आपका हर समय क्या करना है। ये हम फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीलाई के हुनुपर्छ अरे भन्दा चाहिँ, मान्छेको हृदयमा सेल्फ प्युरिफिकेसन, जब आत्मा शुद्धता छ भने हाम्रो हामीलाई तुरन्त थाहा हुन्छ कि हाम्रो के हो कर्तव्य भनेर, हरेक समयमा यो चाहिँ यो हो भनेको। अन्त के मिस्टेक हुन्छ तपाईँहरू भन्नुहोस्, यहाँ मिस्टेकहरू छ भने भन्नुहोस् दिनुहोस्, म पनि सिक्नेछु। दिएको तपाईँहरूलाई मैले यो सिकोस् भनेर राखोस् ध्यानमा भनेर, सब काम भइसक्यो, अन्त रात पनि परिसकेछ, मलाई थाहा थिएन। अन्त म लेख्दा लेख्दै रात परिसक्यो, बाजु चाहिँ छैन, त्यस्तो केही पनि तपाईँहरूलाई पढाउने कुरा चाहिँ। अन्त दिउँसोको चाहिँ आज त्यस्तो